तो आज हम बात करेंगे यार कि जिन लोगों ने 12th का एग्जाम दिया था, चाहे वो साइंस के स्टूडेंट हो, चाहे कॉमर्स के स्टूडेंट्स हो, चाहे वो आर्ट्स के स्टूडेंट हो, उनके रिजल्ट्स तो आ गए हैं, चाहे वो किसी भी बोर्ड से हो, ठीक है, तो उनके रिजल्ट्स तो आ गए, तो उन्हें क्या करना चाहिए। और हमारा जो मैंने बताया था कि हम 10th वाले पार्ट वन को लेके आ चुके हैं कि 10th के बाद अगर आप साइंस लेते हो तो आपको क्या क्या स्कोप्स हैं आपके लिए, वो पार्ट आ गई। अगर नहीं देखा है तो यार जाके देख लेना। और ये आज हम नए पार्ट स्टार्ट कर रहे हैं 12th वालों के लिए, जिन्होंने 12th साइंस दिया है उन्हें आगे क्या क्या करना चाहिए। और सबसे ज्यादा फोकस हमारा रहेगा ये बताने में, ये तो सबको ही बताते हैं यार कि क्या करना चाहिए, आपको क्या क्या स्कोप्स है, लेकिन ये कोई नहीं बताता कि अगर आप मेन सब्जेक्ट्स में क्रॉस लग जाए आपका, अगर आप फेल हो जाए, तो आप अपने साल को बचा कैसे सकते हो, कैसे अपने ईयर को, एक साल को बर्बाद होने से बचा सकते हो। और जबकि आप जो सोच के रखे हो, जैसे आपने इंजीनियरिंग करने की सोच के रखी है, डॉक्टरी करने की सोच रखी है, या किसी भी लाइन में जाने की सोच रखी है, और उस लेवल पे जाके वो सोचने के बाद, उसके पीछे कोचिंग करने के बाद, ट्यूशंस करने के बाद, हर तरह की तैयारी करने के बाद आपके मेन सब्जेक्ट में बैक लग जा रहा है या फिर फेल हो जा रहे हो मेन सब्जेक्ट में, तो कैसे आप किस बोर्ड से आप अप्लाई करो ताकि आप अपने सपनों को, अपने इंजीनियरिंग या मेडिकल कोई भी लाइन में जाने में आपको दिक्कत ना हो, ये साल में ही आपका एडमिशन हो जाए बिना किसी ब्रेक के, एक साल का, ठीक है। तो हमारा ये सीरीज इसी तरह होगा। इस पार्ट में हम बताएंगे कि 12th साइंस वालों के लिए क्या क्या ऑप्शंस हैं, जो पास हो गए उनके लिए क्या ऑप्शंस हैं, और जो फेल हो गए उनके लिए क्या ऑप्शंस हैं, सब बात होगी यार। तो मैं हूँ रोहित, और स्वागत करता हूँ मैं आपका मेरे इस यूट्यूब चैनल रोहित की कक्षा में। तो आज हम बताएंगे 12th साइंस वालों के लिए कि क्या उनके लिए स्कोप्स हैं, और जो फेल हो गए हैं उनके लिए क्या ऑप्शंस हैं बचे हुए, ठीक है। तो चलिए इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं बिना किसी देरी के। जिनका 12th साइंस में पीसीबी ब्रांच था, मतलब फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी था, उनके लिए क्या ऑप्शन है यार, वो एमबीबीएस कर सकते हैं जो सबको जानते हैं, लेकिन और भी बहुत सारी चीजें हैं यार। एमबीबीएस करने के अलावा भी बहुत सारी चीज आप देख सकते हो लिस्ट में, जितनी बड़ी मेरी लिस्ट है यार, आप देख लो। बीएमएस आयुर्वेदिक में इतने सारी चीजें ना कि मैं देख लो, आप वीडियो पॉज करो और सिर्फ देखो, मैं ये सब बताने के चक्कर में उनका टाइम वेस्ट नहीं करना चाहता। आप देख लो, वीडियो पॉज करना, देख लो, इतने सारे चीजें जो पीसीबी ले चुके हैं, ठीक है, उनके लिए हुआ। जो पीसीएम ले चुके हैं फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ, उनके लिए क्या है देख लो। इंजीनियरिंग बीटेक, बीटेक में तो सोच लो कितने सारी लिस्ट होती है, कितनी सारी ब्रांचेज होती है, तो बीटेक का तो छोड़ ही दो बात यार, ठीक है। उसके बाद आप देख लो बीकॉम है, डिफेंस, नेवी, मतलब बहुत सारी चीजें हैं यार। पीसीएम वालों के लिए तो आप देख ही सकते हो, डिफेंस, नेवी, आर्मी, एयरफोर्स, यार ये सब के लिए ज्यादा फायदेमंद हो जाता है जो मैथ्स लेके पढ़ते हो। आप ऐसा बात नहीं कि जो पीसीबी लेते हैं वो नहीं कर सकते ये सब में, लेकिन आपको मैथ्स एज एडिशनल सब्जेक्ट रखना होगा। मैंने बताया था पिछली वीडियो में, जो मैंने पार्ट वन निकाला वो वीडियो 10th वाली में, उसमें मैंने बताया इंपॉर्टेंस क्या मैथ्स और बायोलॉजी का, क्या इंपॉर्टेंस हो जाता है एज अ फ्यूचर रेफरेंस के तौर पे। तो अगर आपने मैथ रखा है तो यार आप ये, अगर आपको नेवी मतलब डिफेंस लाइन में जाने का बहुत शौक है, देश की सेवा करने का शौक है, यार हर किसी को मौका मिलना चाहिए, मौका सबको अच्छा लगता है कि वहां जाए, तो मैथ्स रहेगा तभी आप ये समझ जा सकते हो। देख लो पीसीएम वालों के लिए सबसे ज्यादा मतलब अपॉर्चुनिटीज मिलती है यार आगे जाने के लिए। जर्नलिज्म का कोर्स आप कर सकते हो, डिप्लोमा कोर्सेज भी अवेलेबल है अगर वो आप 12th साइंस से कर रहे हो, ठीक है। डिप्लोमा कोर्सेज आप देख लो, ब्यूटी कल्चर हेयर ड्रेसिंग में, यार ये क्या हो गया यार, अच्छा समझ गया, ठीक है, माफी चाहूंगा यार ये चीज जो हो रही है, ठीक है, हमें इस पर काम करना है। ग्राफिक डिजाइनिंग आप देख सकते हो, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी देख सकते हो, मतलब जो डिप्लोमा कोर्सेज आप कर सकते हो 12th के बाद। मैं अभी बताने वाला हूँ कि डिप्लोमा लैटरल इंट्री भी आप इंट्री मार सकते हो जो 12th वाले हैं, ठीक है, झारखंड में डिप्लोमा के लिए। तो ये तो हो गए डिप्लोमा कोर्सेज, आप इन सब पे कर सकते हो। एडवांस डिप्लोमा के कोर्सेज हैं, मास कम्युनिकेशन है, मास मीडिया क्रिएटिव राइटिंग है, एयर होस्टेस के, एयर क्रू के, ठीक है, बहुत सारे अपॉर्चुनिटीज हैं आपके लिए, ठीक है। तो एचआर ट्रेनिंग की भी चीज हो गई। अब देखो मैं जो बात करने वाला हूँ, डिप्लोमा लैटरल इंट्री फॉर 12th साइंस स्टूडेंट्स जो कि मैथ्स स्टूडेंट्स हैं, ठीक है, इन झारखंड डिप्लोमा कॉलेज, अभी फॉर्म निकली हुई है, मैंने उस पर वीडियो बनाया है, मैं आई बटन में वो प्लेलिस्ट जोड़ दूंगा जिसमें वो वीडियो ऐड है, वो पॉलिटेक्निक कॉलेज रिव्यूज की वीडियोज में एक वीडियो है वो, जिसमें मैंने बताया कि कब तक फॉर्म निकली हुई, आप कैसे अप्लाई करो यार, अप्लाई जाके कर लो, आपको बहुत अच्छा मौका रहता है झारखंड के स्टूडेंट्स को, कि अगर आपने 12th साइंस दिया और आपको डिप्लोमा करना है मैकेनिकल, सीएनसी, ऑटोमोबाइल प्रोडक्शन, इलेक्ट्रिकल, इलेक्ट्रॉनिक, मतलब ढेर सारे जो ब्रांचेज हैं झारखंड में हर एक कॉलेजेस में, उन सब में अगर आपको डिप्लोमा करना है तो आपको लैटरल इंट्री मिलेगी, मतलब डायरेक्ट सेकंड ईयर में घुस जाओगे। 3 साल का डिप्लोमा, आपको डायरेक्ट सेकंड ईयर में इंट्री मिलेगी,
एग्जाम्स देना है। मैं आपको बता देता हूँ सीट्स बहुत कम रहती है क्योंकि आप रेगुलर बैच में नहीं जा रहे हो, आप सेकेंड ईयर में डायरेक्ट जा रहे हो, तो आपको लेटरल एंट्री की जो एग्जाम होगी उसमें करीबन जो मेन सीट्स होती हैं 60 सीट्स की 10% होती है लैटरल इंट्री वालों के लिए, ठीक है 10%, तो मतलब अगर 60 सीट है तो उसके 10% आप समझ लो कितनी कम सीट होगी। उस सीट्स के अंदर आपको फाइट करनी है जिसमें आईटीआई वाले भी फॉर्म भरते हैं, लेकिन सबसे ज्यादा अधिकतर 12th वाले स्टूडेंट्स बाजी मार जाते हैं क्योंकि जो सिलेबस होती है डिप्लोमा लैटरल एंट्री की, चाहे पॉलिटेक्निक का भी एग्जाम दो, चाहे D2D का भी एग्जाम दो या झारखंड में, सबकी एक ही सिलेबस होती है मैथ्स फिजिक्स केमिस्ट्री। तो ठीक है आप 12th देके आ रहे हो, मैथ्स फिजिक्स केमिस्ट्री आपकी ऑलरेडी स्ट्रांग होगी यार, 11, 12 से रिलेटेड आती ही है क्वेश्चन पेपर में, ठीक है मैथ्स फिजिक्स केमिस्ट्री, तो आप तुरंत रिसेंट अभी देके आ ही रहे हो एग्जाम, तो आपको निकालने में काफी आसानी हो जाएगी यार। तो अगर आपको इंटरेस्टेड है डिप्लोमा करने में, अगर आप ये सब ब्रांचेज में ऑटोमोबाइल प्रोडक्शन या माइनिंग में भी मैकेनिकल में किसी में इंटरेस्टेड हो तो आप ले सकते हो, 2 साल में आपके डिप्लोमा की डिग्री मिल जाएगी, आप जूनियर इंजीनियर का भी आपका ग्रेड पूरा हो जाएगा, आप फॉर्म्स के अप्लाई कर सकते हो JPSC में, UPA जूनियर इंजीनियर्स की, रेलवे में बहुत सारी जो फॉर्म्स आती हैं, या फिर आप चाहो तो हायर स्टडीज कर सकते हो, D2D करके जा सकते हो, अलग जगह बीटेक कर लोगे जिसमें आपको 3 साल लगेगी बीटेक में, जो डिप्लोमा करके डिग्री करने जाते हैं बीटेक करने जाते हैं उनको 3 साल की ही बीटेक करनी होती है क्योंकि वो डायरेक्ट सेकंड ईयर में घुसते हैं लेटरल एंट्री, उसमें भी लेटरल एंट्री है, क्योंकि अगली वीडियो में जो बनाने वाला हूं डिप्लोमा से डिग्री कैसे जाए झारखंड में उस पर बनाऊँ, क्योंकि काफी लोगों ने कमेंट किया यार, बहुत लोगों ने किया कि D2D पे वीडियो बनाओ, D2D पे वीडियो बनाओ, तो अगली वीडियो जो आ रही है Part 1 आएगी D2D की, मतलब ये सीरीज हम चला रहे हैं 12th वाले के लिए, अभी मैंने पार्ट 1 निकाला, अभी जो वीडियो उसके बाद पार्ट 2 आएगी, इसी के 10th वाले का पार्ट 1 निकाला उसकी पार्ट 2 आएगी, D2D वालों का पार्ट 1 निकालूंगा उसका पार्ट 2 आएगी, मतलब पार्ट बाय पार्ट चलेगी। तो यार गाइस अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करो, वीडियो पसंद नहीं आई तब डिसलाइक कर दो, कमेंट करो, आपको कोई प्रॉब्लम है तो कोई दिक्कत है तो फोन करके हमसे बात करो यार, और सब्सक्राइब कर लो यार चैनल को अभी तक नहीं किया, क्योंकि सेकंड पार्ट ज्यादा इंपॉर्टेंट इसलिए होने वाले क्योंकि मैं 12th वालों के लिए ये बताने वाला हूँ कि अगर आपने क्रॉस आपके एग्जाम में लगे, चाहे मेन पेपर में ही क्रॉस लगता है यार, इजी पेपर्स में तो क्रॉस लगता नहीं है, तो मेन पेपर्स में अगर आपका क्रॉस लग गया तो कैसे आप अपने साल को बर्बाद होने से बचा सकते हैं और कैसे इसी साल एडमिशन लेने के लिए आप अप्लाई कर सकते हो बड़े बड़े कॉलेजेस में। तो मिलता हूँ मैं आपसे अगली वीडियो में, और जल्दी से सब्सक्राइब करो यार चैनल को, जितने जल्दी हमारे 300 सब्सक्राइबर होंगे उसी वक्त हम Part 2 अपलोड कर देंगे 12th वाला, जिसमें आपको अलग अलग बोर्ड्स के बारे में हम बताएंगे जिसमें आप जल्दी अप्लाई कर सकते हो, क्योंकि लास्ट डेट बहुत ही कम टाइम बचा हुआ है उस सब में अप्लाई करने का, अगर आपको समय निकल गया तो इस साल तो बर्बाद होने से हम भी नहीं बचा सकते हैं, तो मौका आपके पास है, आप जितने जल्दी सब्सक्राइब करोगे 300 सब्सक्राइबर की गिनती पूरी होगी उसी वक्त हम अपलोड कर देंगे 12th वाली सेकंड पार्ट, जिसमें आपको पता चलेगा कि अगर आप फेल हो गए तो आप कैसे अपने आप को इस साल बचाने से खराब होने से बचा सकते हो। तो मिलता हूं मैं आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए आप अपना ख्याल रखें, सेफ रहें और सुरक्षित रहें, थैंक यू।